मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग क्लास के वो नेचुरल नंबर का सम कैसे निकाला जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर 1, 2, 5 क्या बोलते हैं? काउंटिंग। तो सबसे पहले ये देखें नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है 1, 5 क्या बोलेंगे? नेचुरल। और इसका हिंदी क्या होता है? प्राकृत। क्वेश्चन इस पे कैसे आता है? क्वेश्चन रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर एस, मान लो कहेगा किस तक की संख्या का योग बता। या इसको ऐसे भी लिख सकता है किस तक की संख्या का योग क्या होगा। किस तक संख्या का योग क्या होगा। किस तक की संख्या का योग क्या होगा या प्रथम इस प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्या इंग्लिश में रह सकता है सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो इतने ढंग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतने ढंग से एक ही क्वेश्चन है, हम इसको या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। किसी भी ढंग से आप लिखोगे मतलब तो सेम है। क्या कि 1 से लेकर 30 तक की संख्या को लिखिए और जोड़ के बताइए क्या आएगा। जोड़ सकते हैं? जल्दी जोड़ के बताइए क्या आएगा। जोड़ लिए। तो सीधा ऐड करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग और ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ध्यान ये रखना कि संख्या 1 से स्टार्ट है। क्या होगा? n इंटू, अगर ये क्वेश्चन इतना छोटा रहता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और कहता कि इसका योग बताइए तो आप जल्दी से बता देते। क्या बताते? सर 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10 + 5 = 15 + 15 = 21 सर 21 आएगा। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया? n इंटू n प्लस 1/2, जहां n कितना है? 6 है। यहां 6 तक है। n का मान जब 6 है तो योग का फॉर्मूला ऐसे भी 6 × 7/2 दो से ये 3 बार में, ऐसे भी तो 3 × 7 = 21। आप लोग को ये क्लास वीडियो में भी मिल जाएगा। पूरा क्लास चाहोगे तो आपको YouTube पे अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। उसके साथ ही साथ आप क्वेश्चंस चाहोगे क्वेश्चन भी स्कैन करके उनमें ले सकते हो। जो बोर्ड पे बताया जाएगा वो आपके फ़ोन पे चला जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान नोट करने पर नहीं लगाना है,
ध्यान कहाँ रहना चाहिए कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आए दोबारा पूछिए, सर ये दोबारा बता दीजिए, है ना। तो यहाँ 30 तक, तो बताओ इसमें n का मान कितना है जी, इसमें n का मान 30 है, और इसका योग अगर पूछ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम, सम मतलब योग, तो 30 गुना 31 बटा 2, 2 से ये 15 बार में, 15 इकाई 15, अब 15 या 45 और 1, यानी आंसर क्या आया 465। अब क्या हमको जोड़ना नहीं पड़ा, इधर 30 तक है तो 30 गुना 31 बटा 2, अब बताओ अगर 20 तक होता तो 20 गुना 21 बटा 2, 50 तक की संख्या का पूछता तो 50 गुना 51 बटा 2, 100 तक की संख्या का योग पूछे तो 100 गुना 101 बटा 2, 1000 तक की संख्या का योग पूछे तो 1000 गुना 1001 बटा, तब तक किसी भी तरह का इस पे क्वेश्चन होगा बना सकते हो। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर से लेकर 50 तक पहला क्वेश्चन, दूसरा है वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर 100 तक, तीसरा है प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, ऐसे भी रह सकते प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग, और ऐसे भी रह सकता है कि 80 तक के प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, या पांचवा फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 500, मतलब क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछेगा हम लोग इसको कर सकते हैं। तो पहला काम आप ये करो कि इसको जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा सा समय हम आपको देते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट का आंसर हो गया होगा एक से, पहला क्वेश्चन था 1 से 50 तक का योग। तो बताओ योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी 50 गुना 51/2। 2 से कितने बार में? 25 बार में, गुना करेंगे 1275। अगला है 1 से लेकर 100 तक, यहाँ एन का मान क्या हो गया? 100। एन का मान 100, तो सम यानी योग क्या होगा? तो 100 × 101/2। 2 से ये कितने बार में? 50, गुना कर दो 5050। अगला है प्रथम 70 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 70 यानी एन कितना है? 70 है, तो क्या होगा? 70 × 71/2। 80 तक का पूछ रहा है, एन का मान कितना हुआ? 80, तो 80 × 81/2। अगला कह रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 500, तो 500 तक का है तो इसका सम हो जाएगा 500 × 501/2। यानी ये फॉर्मूला अगर हमको याद है तो किसी भी तरह का प्राकृत संख्या का योग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। प्लस 4 + 6 + 8 से लेकर 40 तक का योग क्या होगा? अब देखो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, लगातार प्राकृत संख्या लगातार संख्या वो नहीं है। अगला है 3 + 6 + 9 + 12 से लेकर तक। तीसरा है 5, 10, 15 से लेकर 100 तक। चौथा है 7, 14, 21 से लेकर 140 तक। और पांचवा है 12, 24, 36 लेकर 120 तक। क्या ध्यान देना? देखो नेचुरल नंबर रहता तो फॉर्मूला याद था क्या? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, लेकिन यहां नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे क्या इसको नेचुरल नंबर में बदला जा सकता है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो सब जगह कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। जैसे इस लाइन में पहला क्वेश्चन में क्या कॉमन आएगा? दो कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे अगर दो कॉमन ले लिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, कहाँ तक होगा? 20 तक। और 1 से 20 तक का योग आपको निकालने आता है, गुना 2 कर देंगे, 2 × 1 से 20 का योग। यानी हमको क्या देखना है, क्या प्राकृत संख्या में बदल सकते हैं? तो जैसे दूसरे वाले में देखो क्या कॉमन होगा? 3। पहले तो इसको हम लोग बना ले, 2 तो अलग होगा ही, और 1 से लेकर 20 तक का योग, यहाँ एन का मान 20। अब देखो एन का मान 20, ये एन का मान 40 नहीं लेंगे, ठीक है, जो गिनती काउंटिंग नंबर्स होगा उसमें से लेंगे। एन का मान 20, क्या लिखेंगे? 20 × 21/2, 2 और 2 कट गया, इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर क्या हुआ? 420। ऐसे सेकेंड वाले में देखो 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 से लेकर 10 जा, समझ में आ रहा है? तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 से 10 तक का योग तो आपको निकालने आता है,
कैसे निकलेगा? 10 गुना 11/2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया तो 3 10 तक का योग, एन बराबर तो 10 होगा। एन कभी भी ये गैप में नहीं, इससे एन नहीं लेना, जब प्राकृत संख्या बनेगा तब जाकर के हम लोग एन का मान। तो प्राकृत संख्या बना 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। अब तो 3 गुना 10 गुना 11/2, 2 से ये कटा 5 बार में, 3 गुना 55, गुना करने आता है, 3 5 15 3 5 15 और 1 16। बोलिए कोई प्रॉब्लम? बनाते भी चलिए, फटाफट बनाते रहिए, और कोई भी डाउट्स हो तो वो भी पूछते रहिए, डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पढ़ने के बाद मैथ्स में तो प्रॉब्लम कभी होना ही नहीं चाहिए, कि हम सर से पढ़ा है तो आप, हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है और उसकी गारंटी है कि आपका अच्छा होगा, बसरते जिस रास्ते पे ले चल रहे उस रास्ते पे चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 5 से लेकर 100 तक। अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन लेंगे, तो जब 5 कॉमन लोगे तो 5 एकाएं 5, 5 दुना 10, 5 3 15 से लेकर 20 तक। अब बताओ 5 तो अलग निकलेगा ही, आ 1 से 20 तक का योग क्या होगा? यहाँ n का मान क्या हो गया? 20, 5 से भाग दिए थे 100 को, अब तो 20 गुना 21 2 से ये 10 बार में, 5 एकाएं 5, 5 दुना 10, लाइए तो आंसर 10/50 आ रहा है। आप लोगों का सभी का 10/50 आया, 5 कॉमन हुआ, 5 एकाएं 5, 5 दुना 10, 5 3 15 और 100 को भाग दिया तो 20। अब बताओ 4 नंबर में 7, 14, 21 से 140 तक, 7 कॉमन ले लो, 7 गुना पहले 7 कॉमन ले लें, 1 + 2 + 3 7 या 21 से लेकर 140, 7 कॉमन ले लिए हैं। अब 20 गुना 21/2 से ये कट गया 10 बार में, 7 एकाएं 7, 7 दुना 14 कितना आंसर आ रहा है? 1470। अगला वाला में क्या है? 12 से 120, 12 कॉमन ले लो, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, 12 दाएं 120, यानी अब n का मान इसमें कितना? 10। कैसे लिखते? 12 गुना 10 गुना 11/2, 2 से ये 6 बार में, कितना आया? 660। कोई प्रॉब्लम? ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, इनके प्रथम 20 गुणजों का योग बताएं। इंग्लिश में रह सकता था 4 के गुणज, मतलब होता है मल्टीपल, चार के प्रथम 40 गुणजों का
सम ऑफ फर्स्ट 20 या 25 मल्टीपल्स ऑफ 12, सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 6, ऐसे क्वेश्चन रह सकता है। क्लियर? जल्दी से सॉल्व करिए। गुणज मल्टीपल दोनों सेम चीज है। अच्छा बताओ, दो का गुणज क्या होगा? दो का पांच गुणज बताओ। 2 टू, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो पांच गुणज में अगर कोई कहेगा पहला टर्म बताओ, तो अंतिम टर्म क्या है? 10, फिर दो कॉमन ले लोगे। तीन के गुणज में क्या कॉमन होगा? 3। पांच के गुणज में 5। 12 के गुणज में 12। तो जिसका गुणज या मल्टीपल होगा कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद ये सोचो संख्या है, यहाँ तो 20 दे ही दिया है, यहाँ एन का मान ही 20, यहाँ पे प्रथम 40 यानी एन का मान ही 40 है, यहाँ एन का वैल्यू 25 है, यहाँ एन का वैल्यू 50 है। अब जिसका गुणज है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यानी देखो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है हम लोग को तो पता था। अब सर ऐसे एग्जाम में पूछ दिया तो क्या करें? क्वेश्चन जितने तरह से पूछा जा सकता है या एग्जाम में आता है हम वो सारा टाइप बता रहे हैं। जल्दी बना लीजिए, अब तो बन गया होगा। पहला था 3 का प्रथम 20 गुणज, प्रथम 20 मतलब n का मान 20, फर्स्ट 20, और 20 जब n का मान है तो उसका योग कैसे निकालोगे? तो 20 गुना 21 बटा 2 तो करेंगे। अब वो किसका है? 3 का, तो 3 से गुना। समझ में आ रहा है? बीस गुना 21 बटा 2, 2 से ये 10, 3 वाला आंसर मिला। ये फर्स्ट का आंसर होगा 630। चलिए अगला बनाइए।
अगला था चार के प्रथम 40 गुणजों का योग। अब बताइए चार का प्रथम 40 गुणज, तो चार कॉमन ले लेंगे, लेंगे ना जी। आ 40 गुणज है तो 40 गुना 41 बटा 2, 2 से काट दो 80, 8 इकाई 8, 8 चौका 32, 3280 है आप लोगों का, यही है। अगला सम ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 12, 12 को अलग कर लो, 25 गुना 26 बटा 2, 2 से 6 बार में 25 छक्के 150, 15 छक्के 90, 109, 39, 40 कितना रहा है आप लोगों का, यही आ रहा है 3900। लास्ट कॉलम में फर्स्ट यानी मल्टीपल्स लिखे, गुणज लिखे, ये तो समझ गए आप, किसी भी तरह का होगा निकाल लेंगे। तो यहाँ 6 कॉमन ले लिया, 50 गुना 51 बटा 2, 2 से 3, 15 इकाई 15, 15 25 और 1 76, आंसर 76। नहीं है यहाँ तक, इसमें देखिए ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, 15, 16, 17 से लेकर 50 तक, बीस, 21, 22 से लेकर 60 तक, पच्चीस, 26, 27 से लेकर 50 तक, 101, 102, 103 से लेकर कहाँ तक, 200 तक। हालांकि अलजेब्रा में भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी हम लोग पढ़ सकते हैं सम बराबर एस एन जिसको कहते हैं, तो एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, लेकिन अभी हम लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग बेसिक से ही पहले देख रहे हैं जो हम पढ़े हैं, क्या उससे ये क्वेश्चन। अब देखो एक से नहीं है, तो जब संख्या एक से नहीं है तब क्या करेंगे, तो सर गिनती लगातार तो है लेकिन एक से नहीं है, कहाँ तक नहीं है, 14 तक नहीं है, एकदम क्लियर लिख लो, 14 तक नहीं है, मतलब एक से लेकर 14 का योग इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि अगर n का मान 50 लिया तो योग क्या होता, 50 गुना 51 बटा 2, 50 गुना 51, अगर एक से 50 तक रहता तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता, लेकिन 16 तक सॉरी 14 तक नहीं है, तो 14 तक का यानी मान लो n वन 14, 14 तक का योग क्या होगा, 14 गुना 15 बटा 2, घटा दिया, क्यों घटा दिया, क्योंकि यहां तक नहीं है, तो एक से 14 तक नहीं है तो जो योग आएगा हटा दिया। अब 2 से ये कट गया 25 यानी 1275, माइनस 2 से ये 7, 15 सते 105, तो 1275 में से आप 105 घटा दो, तो 7 1 1, 1170 हो गया। फिर से देखो अगर 15 से 50 कहा तो 50 तक का योग तो निकालेंगे, और 14 तक नहीं है तो 14 तक का भी योग निकाल के घटा दिए, बताओ दूसरा 60 तक है तो 60 तक का योग तो निकालेंगे, 60 तक का योग सेकंड में क्या होता बताओ, तो इन अगर 60 लिया तो योग क्या होता, 60 इंटू 61 बाई 2, लेकिन कहाँ तक नहीं है, 19 तक नहीं है, जब तक दिक्कत हो ऐसे लिख के बनाओ, तो नहीं है यानी एन वन 19, एन वन माने घटाना है, माइनस 19 गुना 19 तक का योग क्या होगा, 19 गुना 20 बटा 2, समझ में आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो।
समझ में आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन क्या था थर्ड में, पहले एन का मान क्या ले लोगे? 50। और बताओ एन वन का मान क्या लोगे? कहाँ तक नहीं है? 24 तक नहीं है, एकदम क्लियर लिख लो, 24 तक नहीं है। जो नहीं है पहले तो जो है वहां तक का योग 50 गुना 51/2 माइनस ये 24 है, 24 गुना 25/2 गुना भाग तो करने आता है, वो आगे आप कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा है? सोचो तो एक नेचुरल नंबर के सम पे कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। अगला है 101 से 200 क्वेश्चन नंबर 4। बताओ एन वन का मान कितना, एन कितना है? 200, और एन वन कितना है? 100, क्योंकि 100 तक नहीं है। तो 200 गुना 201/2 माइनस 100 गुना 101/2। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जो लोग कॉमर्स वाले हैं एकदम कैलकुलेटर लेके तैयार रहते हैं, मौका मिले कि हम शुरू। क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा अगर ऐसे रहता प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। पूर्ण संख्या मीन होल नंबर, अब नाम क्या दे दिया? होल नंबर, पूर्ण संख्या, चीज वही है। अच्छा तब सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? होल नंबर या जिसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या होता है? ये जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से? तो 1 2 3 जीरो से लेकर आगे। क्या बताओ प्रथम 5 होल नंबर कौन कौन होगा? जीरो से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4। फर्स्ट 4 होल नंबर, अगर क्वेश्चन में कहा फर्स्ट 4 होल नंबर तो 0 1 2 3। क्लियर? देखो ना 4, चार फिंगर निकाल लिया, फर्स्ट 4 पहला 0 1 2 3। फर्स्ट 20 होल नंबर 0 से लेकर 19 तक। फर्स्ट 50 होल नंबर 0 से लेकर 49 तक। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे हो जाता? 0 1 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 19। और ये योग आपको निकालने आता है कि नहीं आता है? एन का मान कितना है? 19 है, क्योंकि तो 0 को किसी में ऐड करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन का मान क्या लेके चलेंगे? 19। हम क्या हो जाएगा? 19 गुना 20/2। एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, ऐसे अगर रहता 20 तक ए पूर्ण संख्या का योग बताओ।
ट्वेंटी तक पूर्ण संख्या, तो ट्वेंटी तक मतलब जीरो वन टू से लेकर कहाँ तक, ट्वेंटी तक, तक तक मतलब लास्ट, बाहर है बीस तक, दोनों में अंतर क्या समझ में आया। ये अगर रहेगा फर्स्ट फाइव तो जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो से फोर, अगर रहता फाइव तक तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव लेना पड़ता। तो ये फर्स्ट ट्वेंटी तक अप टू, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अप टू ट्वेंटी, अप टू ट्वेंटी व्हाट विल बी सम ऑफ होल नंबर, तो बताओ एक से लेकर बीस तक जोड़ना होगा, यहाँ एन का मान क्या होगा, बीस, और बीस गुना इक्कीस बटा, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है।